हम बात कर रहे हैं नालको की, नेशनल एल्यूमिनियम की। अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 6% के ऊपर का फॉल हमको आज के दिन देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक जो है 129.65 के लेवल पर हमको फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने लगातार डिस्कस किए थे कि स्टॉक हमको तेज़ी दिखा सकता है और हमने इसमें 140 तक के टारगेट को डिस्कस किया था और हम देख सकते हैं स्टॉक ने 140 की लेवल से रिजेक्शन लिया है और हमको बड़ी गिरावट इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। इसमें आप हम देख सकते हैं स्टॉक जहां पर है, एक इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है। इससे पहले भी हमको इसी लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया था, जब 136 के लेवल से रिजेक्शन लिया था इसी लेवल से हमको बाउंस बैक दिखाकर 140 तक के टारगेट देखने के लिए मिले थे और स्टॉक इस वक्त अपने सपोर्ट जोन पर ही है। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनने वाला है 124 का लेवल, और 120 का लेवल इसके एक तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। 120 का लेवल इसका तगड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। मार्केट में तेज़ी है और हमको नालको में भी हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिला है, बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। स्टॉक ने ब्रेकआउट कर चुका है लेकिन यहाँ बड़ी गिरावट नज़र आना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। स्टॉक बाउंस बैक होकर अपने इस हाई को 140 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। इस लेवल से स्टॉक ब्रेकआउट हो जाता है तो 135-136 इमीडिएट टारगेट हमारा बनने वाला है और इसके ब्रेकआउट पर हमको अगेन 140 तक के टारगेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसका तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है 140 का लेवल, जहाँ से इतनी बड़ी हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर 140 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसमें हमको और तेज़ी ऊपर की ओर देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है 150 और 160 तक के भी टारगेट नालकों में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।